जैसे ही अपना नज़र बदलेंगे वैसे ही आपका नज़ारा बदल जाएगा, नज़रिया बदल जाएगा सवाल के हिसाब से। जब तक चीज़ों में आदमी खुद नहीं इन्वॉल्व होता है उसका आंसर दूसरा होता है, जब चीज़ों में खुद इन्वॉल्व हो जाता है उसका आंसर बदल जाता है। खैर, अब आज की क्लास शुरू करते हैं। टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। वी हैव फिनिश दिस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूज़न। बोथ आर सेम थिंग। इन अ सर्टेन सिचुएशन वी कॉल इट डबल फर्टिलाइजेशन, इन अ डिफरेंट सिचुएशन वी कॉल इट ट्रिपल फ्यूज़न, राइट? पिछले लेक्चर से कोई सवाल है? नहीं है ना? ठीक। तो नाउ वी हैव स्टडीड कि मेल गैमेट पॉलन ट्यूब से माइक्रोपाइल रीजन तक आ गया है। दिस इज योर ओवरी, दिस इज योर स्टिग्मा, हियर इज योर पॉलन, फटाफट से रफ स्ट्रक्चर है ये, ठीक है? यहाँ या यूँ ही कर देते हैं, यहाँ आपके सेल्स पड़े हुए हैं और यहाँ से आपकी पॉलन ट्यूब डेवलप होना शुरू होती है एंड इट गोज़ टू माइक्रोपाइल रीजन। यहाँ तक की प्रोसेस क्लियर है ना? ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। जो लास्ट स्टेज हमको मिली थी पिछले स्टेप में वो ये मिली थी कि हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया था। वी हैव टू सिनर्जिड सेल्स हेयर, राइट? वन फीमेल एग और फीमेल गैमेट, टू नाम क्या है इसका? हाँ, सेंट्रल सेल्स, सेंट्रल सेल्स, यू हैव सिनर्जिड सेल्स, यू हैव फीमेल गैमेट या फीमेल एग एंड यू हैव थ्री एंटीपोडल सेल, ठीक? यहाँ तक का प्रोसेस हो गया था। नाउ मार्कर एक दूसरा ले आओ उस कमरे से। नाउ आपका जो पॉलन ट्यूब है वो यहाँ तक आता है, दिख रहा है? और यहाँ से आपका मेल गैमेट इंटर कर रहा है। थैंक यू। तो चलिए, दिस इज योर पॉलन ट्यूब एंड हेयर कम्स योर मेल गैमेट। मेल गैमेट आपको पता है कि ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का मतलब 2n है वाला देना, लेफ्ट 2n है। दिस इज योर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर 2n, ठीक? अब होता क्या है कि इसमें से एक मेल गैमेट सिनर्जिड को बस्ट करता है, सिनर्जिड सेल को बस्ट करके आता है फीमेल एग से कॉपुलेट कर लेता है। ठीक, सिनर्जिड सेल को तोड़ेगा और उसके बाद आकर फीमेल एग से कॉपुलेट कर लेगा। लेकिन जो दूसरा एन है, दूसरा न्यूक्लियस है, वो क्या करता है, वो किनारे से निकल आता है और वो इन दोनों से फ्यूज हो जाता है सेंट्रल सेल से। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो जगह फ्यूज़न हो रहा है, फर्स्ट फ्यूज़न हेयर एंड सेकेंड फ्यूज़न हेयर।
पहला फ्यूजन हो रहा है आपका फीमेल गैमेट के साथ और दूसरा सेंट्रल सेल के साथ हो रहा है। तो जब फीमेल गैमेट के साथ आपका फ्यूजन होगा, फर्स्ट फ्यूजन विद फीमेल गैमेट एंड इट विल बी कॉल्ड सिनगैमी। सिनर्जिट नहीं, सिनर्जिट सेल तो ऊपर है, इट इज कॉल्ड सिनगैमी और ट्रू डिफ्यूजन। इसको ट्रू डिफ्यूजन भी कहते हैं। ठीक, दूसरा आपका जो सेल आएगा जो कि सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है, दूसरा न्यूक्लियस जो आएगा आपका सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है, वहां पर आपका एक मेल गैमेट होगा और दो नहीं सेंट्रल सेल होंगे। ठीक, और आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ट्रिप्लॉयड बनेगा। यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर आएगा वो क्या होगा, डिप्लॉयड। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है दैट विल बी डिप्लॉयड, यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है दैट विल बी ट्रिप्लॉयड। ठीक, अब ये टॉपिक छोटा सा है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट बिल्कुल हाँ मैं बता रहा था कि ये टॉपिक बहुत छोटा सा है बट इस टॉपिक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं, वो आ जाते हैं। हर्षित इधर ध्यान दो, जैसे आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है, ये है क्या वैसे, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हाँ इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सैक मतलब फैला। ठीक है, आपसे कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है कि एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियस कितने होते हैं, गिनो, गिन के बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस होते हैं, आप बताएंगे 8। ठीक, सेल अगर आपसे पूछा जाए तो कितने होते हैं, क्यों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्यों सर, बिकॉज क्योंकि जब इसके पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसके चारों तरफ, दैट इज सेल वॉल, इसकी सेल वॉल फॉर्म हो रही है, दैट्स वाई यू काउंट इट एज अ सिंगल सेल। लेकिन यहाँ पर इसकी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ काइरोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, साइटोप्लाज्म नहीं टूटता है, इसलिए इसको सेल एक ही मानते हैं लेकिन न्यूक्लियस दो मानते हैं। तो आपका ये जो स्ट्रक्चर होता है इट विल बी 7 and 8 न्यूक्लियस। ये वैसे बहुत पिटा हुआ क्वेश्चन हो चुका है लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लेता है, हाँ कभी कभी आ जाता है, वैसे ये पिटा हुआ क्वेश्चन हो चुका है। अब कभी कभी ये पूछ लेता है सिनगैमी क्या है या ट्रू डिफ्यूजन क्या है, अच्छा इसको स्यूडोगैमी कहते हैं, स्यूडो का मतलब ये होता है झूठा, हाँ इसको, क्योंकि यहाँ डिफ्यूजन तो हो रहा है लेकिन असली डिफ्यूजन कहाँ है, यहाँ है भाई। डिफ्यूजन या फर्टिलाइजेशन किस में होना है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट में, यहाँ फीमेल गैमेट थोड़ा है, या तो सेंट्रल सेल है ना, डिफ्यूजन हो रहा है इसलिए हम इसको कह दे रहे हैं कि चलो अच्छा डिफ्यूजन हो रहा है तो इसको डिफ्यूजन में गिन ले रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर जो डिफ्यूजन हो रहा है वो तीन सेल्स में हो रहा है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन को बोलेंगे इसको, इट विल बी कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, एक बार यहाँ पर हो रहा है,
और फ्यूजन कहा जाएगा ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहां पर एक बार हो रहा है और दो बार सेंट्रल सेल के साथ हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, इसको बना लो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नोट्स कैसे मिलेगा? नोट्स पीडीएफ दे दे, ठीक है, क्योंकि लिखाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। हमारा मानना है कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए, क्योंकि एग्जाम में आप सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लेके जाएंगे, अनलेस आप बहुत बड़े कलाकार नहीं हैं और कोई चिट चुट पर्चे वर्चे रख के जाने की काबिलियत ना रखते हो। भाई हमारे यहाँ श्रुति परंपरा थी, उसका कुछ रीज़न था ना कि सुन के याद कर लीजिए, मेमोराइज़ कर लीजिए, याद हो जाएगा, तुम्हें किसी नोट्स की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी एक रीज़न है कि इंडिया पे इतने हमले हुए हैं लेकिन यहाँ का कल्चर कभी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें किसी किताब की ज़रूरत थी ही नहीं, सारा सब कुछ तो हमारे पूर्वज मेमोराइज़ करके रखते थे। तो अगर एक भी आदमी ज़िंदा है तो अपना कल्चर आगे ट्रांसफ़र कर दे रहा है। डन, सिंगेमी, ट्रू डिफ्यूजन, डिप्लॉयड सेल, स्यूडोगैमी, ट्रिप्लॉयड सेल विथ सेंट्रल सेल्स, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ये तीन चार टर्मिनोलॉजी याद रखने वाली है। हाँ हाँ, ये प्राइमरी स्टफ है, ये कोई बहुत एडवांस स्टफ। अच्छा अच्छा रुके रुके, बिल्कुल ये प्राइमरी स्टफ है। डायग्राम की तुम लोग प्रैक्टिस किया करो, घर पे भी एक बार जरूर बनाया करो। अरे किधर का हो गया, इधर का, उधर का हो गया, हो गया। ओके, अब आगे की कहानी में ये याद रखना कि ये जो आपका ट्रिपल स्ट्रक्चर बना था यहाँ पर फ्यूज होकर के, ट्रिप्लॉयड सेल जो बनी थी, ये बनती है आपकी एंडोस्पर्म। ठीक है, और इसी को आप कहते हैं PEN, पेन, प्राइमरी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। नहीं, पेन का मतलब होता है पोस्ट, सॉरी, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन अभी इसके आबाद वाला चैप्टर है, अभी नहीं है। या इसको आप कह सकते हैं PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ये भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है। और इस सेल का काम क्या होता है? इस सेल का काम ये होता है कि जब एम्ब्रियो बड़ा होने लगता है तो इसको ये न्यूट्रिशन देता है।
प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या प्राइमरी इंडो इंडोस्पर्म, ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर मेल गैमेट सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है और माइटोसिस होकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं इंडोस्पर्म। दो चीज़ें और लिख लो, तुम्हारे शायद कहीं एग्जाम में काम आ जाए। पहला ये कि डबल लिख लो, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल, दोनों एक ही बातें हैं। न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस हो जाएगा, सेल की बात करेंगे तो सेल आ जाएगा, पेन हो जाएगा चाहे पीसी हो जाएगा। दो चीज़ें याद कर लो, एक तो ये कि डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किसने किया था। डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई नवाशिन एंड गुजनार्ड इन 1898 में था, इन लिलियम फ्लावर। आप देख रहे हैं एक गाना था ना, कब के बिछड़े हुए आज कहाँ आके मिले, 1898 का ज्ञान आज आप पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में किसने बताया, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय एरिस्टॉटल। हाँ यही है, एरिस्टॉटल, टोटल नहीं टॉटल, कौन थे ये, अच्छा ठीक। और भी कुछ है, और दो बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है इनके बारे में, एक ये कि ये, हाँ बोलो, दो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये हैं। जैसे कुछ दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे कि गुरु शिष्य परंपरा का महत्व क्या होता है, ठीक है, और उस डिस्कशन की खूबसूरती अब आप यहाँ देखिए कि गुरु शिष्य परंपरा का महत्व क्या होता है। जब मैं कह रहा था कि अगर आपको कोई गुरु अच्छा मिल जाए, टीचर अच्छा मिले उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको लाइफ में गुरु अच्छा मिल जाए तो उसका रिजल्ट क्या होता है ये देखिए। एरिस्टॉटल के बारे में आप जानते हैं, ये फिलोसोफर हैं और तमाम और सारी चीज़ें हैं, ठीक। इनके गुरु कौन हैं, इनके गुरु हैं प्लेटो, ये भी ग्रीक फिलोसोफर हैं। इनके गुरु कौन हैं भगवान नहीं जानते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, सोक्रेटिस हैं। यानी सुकरात के चेले हैं प्लेटो, ठीक, प्लेटो के चेले हैं एरिस्टॉटल, और एरिस्टॉटल का जो चेला निकलता है उसने वर्ल्ड हिस्ट्री बदल के रख दी। हालांकि वे बाकी तीन भी कम नहीं है, वर्ल्ड ऑफ फिलॉसफी में 30-35% 40% एरिया इन्हीं लोगों ने कवर कर रखा है, यही प्लेटो सोक्रेटिस एंड एरिस्टॉटल ने, इन्हीं तीन लोगों ने वर्ल्ड ऑफ फिलॉसफी पे अपना आधिपत्य जमाए रखा है। जो भी फिलॉसफी शुरू होती है इनके बाद शुरू हो रही है। जैसे अलेक्जेंडर,
अब ग्रेड पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण से देखेंगे तो ग्रेट नहीं है भाई, जिसके यहाँ का वो है उसके हिसाब से बहुत ग्रेट है। वर्ल्ड ऑफ फिलॉसफी है, वर्ल्ड ऑफ फिलॉसफी मतलब फिलॉसफी की दुनिया, जैसे वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी बायोलॉजी की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश इंग्लिश की दुनिया। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन, मूल तत्व, किसी सब्जेक्ट का मूल तत्व क्या है। ये जो होते हैं कुछ लोग, जीवन क्या है, इंसान कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, ये सब फिलॉसफी के हिस्से में आता है। तो ये तीन है। अब आप यहाँ खूबसूरती देखिए इस बात की कि इस आदमी को एक गुरु मिलता है दैट इज अरिस्टोटल, इस आदमी को जिसका गुरु मिला हुआ दैट इज प्लेटो, और इस आदमी का गुरु मिला दैट इज सॉक्रेटिस। ये चार पीढ़ियाँ चली हुई हैं गुरु शिष्य की, और हर आदमी अपने आप में मठाधीश है, और आखिरी वाले तक जाते जाते तो आप रिजल्ट उसका देख रहे हैं। ये इम्पैक्ट होता है आपकी ज़िंदगी में एक बढ़िया गुरु मिल जाने का। आज के 1000, 2000, 4000 साल पहले अगर कोई आदमी पैदा हुआ था और मर गया था, उसके बाद भी आज उसकी कही हुई बातें आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस आदमी में कुछ बात तो है। अभी मैंने अरिस्टॉटल के बारे में पूछा, तुमने गिनाना शुरू किया फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ ये, फादर ऑफ वो, तो कुछ तो बात रही होगी ना उसमें। ये गुरु शिष्य, ये हाँ ये गुरु शिष्य का इम्पैक्ट होता है, ये टीचर वाला इम्पैक्ट नहीं आता है। चंद्रगुप्त बनने के लिए चाणक्य चाहिए, और चाणक्य को भी, चाणक्य बनने के लिए किसी चंद्रगुप्त की ही ज़रूरत है। हर आदमी चंद्रगुप्त नहीं बना है। श्री कृष्ण भगवान भी गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को दिए हैं, भीम को नहीं दिए हैं। श्री कृष्ण भगवान भी गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को दिए थे, हर किसी को नहीं दिए थे कि भीम को भी बुला लिया हो तुम भी सुन लो, सिर्फ अर्जुन को। हमारे अपने गुरु का ये कहना है कि शिक्षा सुपात्र के लिए होती है। इफ़ यू डिज़र्व द नॉलेज यू विल गेट इट। अगर नहीं डिज़र्व कर रहे हो, ऐसा कोई आदमी है जो कि शिक्षा के लिए सुपात्र नहीं है, उसको कभी भी ज्ञान मत दीजिए। और इसको देहाती में क्या कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। ओके तो भाई डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इज क्लियर, शुड वी मूव अहेड। ओके अब आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ, अरे भाई पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे इतनी जल्दी मत जाओ दौड़ के, अभी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म आता है। जब वहाँ पे आपके सेंट्रल सेल से मेल गैमेट फ्यूज हो गया है, जो एंडोस्पर्म बना है वो कितनी तरह का होता है ये भी तो देख लो, ये भी आता है क्वेश्चन। तीन स्ट्रक्चर आप ऐसे बना लीजिए, ठीक। पहला होता है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में क्या होता है, आपके इस स्ट्रक्चर के अंदर माइटोसिस होना शुरू हो जाएगा, बट यहां पर साइटोप्लाज्म नहीं टूटेगा। साइटोप्लाज्म टूटने को क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, ठीक। तो यहां पर होगा क्या, ये सारे न्यूक्लियस इसी के अंदर घूम रहे होंगे, ठीक है, और ऑब्वियसली घूम रहे होंगे तो ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में होंगे, ठीक। इसको न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म भी कहते हैं, और इसको कहते हैं फ्री फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म भी, ठीक। यहाँ पर सेल वॉल नहीं बन रही है तो दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एक दूसरा टाइप ये हो सकता है जिसमें आपकी सेल वॉल बननी शुरू हो जाएगी, you
ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर आपका एक वैक्यूल बनने लगता है, वैक्यूल रिक्त स्थान, और धीरे धीरे ये बड़ा होता रहता है। इसका बेसिक वर्क ये होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस पड़े हुए हैं इनको न्यूट्रिशन दे, ठीक है। और इसे बोलते हैं जो सेकंड स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड सेलुलर, इन दोनों स्ट्रक्चर में एक खास बात याद रखने वाली है कि इसमें जो न्यूक्लियस रहेगा वो फ्री रहेगा, इसमें जो न्यूक्लियस रहेगा वो सेल वॉल के साथ रहेगा, बट इस सेल वॉल में इस सेल वॉल वाले न्यूक्लियस के साथ एक खास बात ये रहेगी कि जो साइड में आपके सेल्स रहेंगे वो कम रहेंगे, ठीक है। माइक्रोपाइल और चैलाइजल रीजल में आपके सेल्स ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, इसको बोलते हैं कि पेरीफेरी पर इकट्ठा होते हैं सेल्स, इसके पेरीफेरी पर आउटर रिंग की तरफ, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, हेलो बिल, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक माइटोसिस होगा और एक माइटोसिस होने के बाद आपके दो सेल बन जाएंगे, एक आपका आ जाएगा माइक्रोपाइल रीजन की तरफ और एक आपका चला जाएगा चैलाइजल रीजन की तरफ, ठीक है। अब होता क्या है कि जो माइक्रोपाइल वाला रीजन होता है वहां पर आपका फ्री माइटोसिस होना शुरू हो जाएगा, फ्री न्यूक्लियस आपके मिलेंगे, ठीक है। और यहां जो आपका होगा जो चैलाइजल रीजन है इसमें कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, इसमें फ्री न्यूक्लियस भी हो सकता है और सेल वॉल के साथ भी हो सकता है। फिलहाल यहां पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसको सेल वॉल के साथ बना दे रहे हैं। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, बहुत इतनी आसानी से नहीं मिलता है। और ये भी याद रखना कि ये जो मिलता है, ये मिलता है मोनोसाइटोलियन में, और ये दोनों मिलते हैं डाई साइटोलिनॉन में। डाइकॉट मोनोकॉट पढ़ा है, क्या होता है मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब दो होता है, इसके आगे की कहानी, इसके आगे सीड नहीं पाया जाता, नहीं भाई और अंदाजे लगा लो, और अंदाजे लगा लो, और अच्छा सरकाजम समझने में तुमको थोड़ी दिक्कत होती है ना, सरकाजम समझने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, कोई बात नहीं अभी समझोगे। जो एम्ब्रियो होता है उसमें एक लीफ डेवलप करती है, सीड नहीं डेवलप करता है, लीफ डेवलप करती है, जिसमें सिंगल लीफ डेवलप करती है दैट इज मोनोकॉट, जिसमें डबल लीफ डेवलप करती है दैट इज डाइकॉट। मोनोकॉट का एग्जांपल तो थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन डाइकॉट का एग्जांपल आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। डाइकॉट का एग्जांपल क्या हो सकता है, और मैं तो चाहूंगा कि तुम इतने बड़े साइंटिस्ट बनो कि नेचर की व्यवस्था पलट दो और मैंगो को जो है मोनोकॉट में कर दो, साइंस की दुनिया में तहलका मचा दोगे। डिफरेंस यही है कि इसका जो एम्ब्रियो तैयार होता है, जो लीफ होती है जिसमें सिंगल लीफ तैयार होगी, तुमने सड़क के किनारे या खेतों के किनारे, अब वैसे तो दिखते नहीं है, इतना छोटा पौधा लगा के कोई गार्डन से ला के या नर्सरी से ला के लगाता नहीं है, बिल्कुल छोटा पौधा, लेकिन तुमने कभी सड़क के किनारे या खेतों के किनारे देखा होगा जो आम की गुठली का के लोग फेंक देते हैं और जो पौधा बिल्कुल ज़मीन तोड़ के निकल रहा होता है, ठीक है, उसमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है,
अरे मोनोकॉटिलेडन था और यहाँ पर इतना क्या टेंशन दे रहे हो भाई, अभी पूरा मिटा के बनाओ तो फिर कहोगे पूरा मिटा दिया आपने। आप उसमें देखेंगे जो आम का पौधा बिल्कुल जर्मिनेट करके निकल रहा होता है उसमें कुछ ये स्ट्रक्चर आपको दिखता है, ठीक है, या बरसात का मौसम है इस समय ये आपको आराम से दिख जाएगा। अदरवाइज अगर आपके घर में मटर लगी हो, बीन्स लगी हो, उसमें आप देखिए उसमें भी बिल्कुल जो ज़मीन फोड़ के निकल रहा होता है पौधा उसमें ये स्ट्रक्चर आपको दिख जाता है। और इसका कोई और काम नहीं है, इसका सिर्फ इतना काम है कि इसको न्यूट्रिशन देना है, ठीक है। और अब अगर ये पूछा जाए कि सर सिंगल न्यूट्रिशन या सिंगल लीफ का या डबल लीफ का क्या फ़र्क पड़ता है, तो भाई जिस पौधे को ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उसको डबल लीफ, डबल सीड लीफ कहते हैं, फर्स्ट लीफ भी कह सकते हैं, फर्स्ट सीड लीफ भी कहते हैं या सीड लीफ कहते हैं। जिसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वहाँ पर दो की ज़रूरत है, जिसको कम न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वहाँ पर एक की ज़रूरत है, ठीक है। अब जैसे ये न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कोकोनट। कोकोनट अगर तुमने खाया हो, खाया तो होगा ही, कोकोनट जब तुम खाते हो तो तुमने देखा होगा उसके दो हिस्से होते हैं, एक वाइट वाला हिस्सा होता है जो कि सॉलिड होता है, ठीक है, वाइट वाला हिस्सा होता है जो कि सॉलिड होता है, एक उसके अंदर लिक्विड होता है, पानी होता है, ठीक। और अभी थोड़ी देर पहले हम जो पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि जब यहाँ पर फ्री माइटोसिस होना शुरू हो जाएगा तो ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, तो वहाँ जो आपको मिलता है वो ये वाला एंडोस्पर्म मिलता है जो उसका पानी पी रहे होते हैं, दरअसल आप कोकोनट का एंडोस्पर्म पी रहे होते हैं। और वही एग्जांपल इधर आ जाता है, जो कोकोनट का वाइट वाला हिस्सा होता है वो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि सेल वॉल बन गई, सेल वॉल बन गई तो उसने उसको सॉलिड कर दिया, तो जो उसका वाइट वाला हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। और जो आपका ये तीसरा वाला है इसका एग्जांपल है इरेमुरस, ये बहुत रेयर होता है, ये पिट्यूनिया में भी मिलता है, बालसम में भी मिलता है, ये आपका वीट में भी मिलेगा, मेज में भी मिलेगा, कॉर्न में भी मिलेगा, डन। इतनी प्रोसेस में कहीं से कोई शंका, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, हाँ जो भी होगा कल देखा जाएगा। एनीवेज इसमें कुछ बताने के लिए आपको बचा तो नहीं, अरे एग्जांपल सारे लिखे तो हैं, अरे भाई इसमें रेमुरस है थर्ड वाले में, इसमें आपका कोकोनट है, पिटना है, बालसम है, इसमें आपका मेज है, कॉर्न है, वीट है, आसान आसान तो एग्जांपल में देता हूँ, नाम याद रखने में आसानी रहे।